हाय एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और भाई अभी बज रहे हैं शाम के 5:45 और मैं आज फिर से ना अब जा रहा हूँ मतलब लादू ठेकेदार उप सनी देओल की टीम से मिलने। तो देखते हैं सुरेश जी चौधरी जो चौधरी साहब हैं और लादू ठेकेदार उन सबसे मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि भाई 2-3 अटैम्प्ट तो मेरे फेल हो गए, 3 बार तो मैं मिल नहीं पाया। आज देखते हैं मतलब थोड़ी लोकेशन पता चली है तो भाई आपको दिखाएंगे, क्योंकि जो चीज़ मैं ठान लेता हूँ ना वो पूरी करके रहता हूँ। तो भाई मैं मिल के ही रहूँगा उनसे, आज नहीं कल नहीं तो परसों, मैं कभी ना कभी तो मिल के रहूँगा और आपको भी दिखाऊँगा। तो आज मैं गाड़ी वाड़ी लेके देखो अकेला आया हूँ, भैया नहीं आया आज, तो मैं आज उनको मतलब घर वर ढूँढेंगे मस्त। मैं तो लोकेशन कन्फर्म पता है इस बार, उस बार शायद मैं पहुँच जाऊँगा। तो अभी मैं गाड़ी वाड़ी लेके आ गया, तो अभी मतलब यहाँ से 1 या 2 किलोमीटर दूर है लोकेशन, चलते गाड़ी उठाई मैंने, गाड़ी है मेरे पास तो ज़्यादा दिक्कत होने वाली है नहीं। तो लोग भी बने रहना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और भाई जिसको लादू ठेकेदार और उसकी टीम से मिलना है, इतनी मेहनत के लिए आपने वीडियो लाइक कर देना और भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई जिस तरह मेरे को मिलने की उनसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है उनकी वीडियो देखकर, शायद आपको भी उनसे मिलकर अच्छी खुशी होती है। जस्ट अभी मैं पहुंचा हूं रास्ते में और भाई मैंने बीच में गाड़ी वाड़ी रोक के भाई इंट्रो तो ले ली, क्योंकि एकदम से मैं जाके दिखाऊंगा अब तो आप सोचोगे कि पागल हो रहा है क्या, बिल्कुल ही ये ही नहीं, इसमें तो पहले कुछ इंट्रो देना चाहिए, इसलिए इंट्रो दे रहा हूं। फिर अब चलते हैं उनके घर, चलो मिलते हैं थोड़ी देर। सो भाई निकल गए सफारी पे और भाई आज मिल जाने, मैं हेलमेट लेके आया हूँ क्योंकि पुलिस वुलिस रोक ले तो फालतू में 200 रुपये नहीं देने। मस्त है ना लोकेशन इधर की, भाई बाइक पे तो वीडियो नहीं बनानी चाहिए लेकिन सॉरी। सो गाइस आज फिर वही आ गया हूँ जहाँ मैं फर्स्ट बार आया था, फर्स्ट लोकेशन पे आया था, लेकिन यहाँ पे घर कन्फर्म नहीं हो रहा भाई। सेम लोकेशन सेम है बिल्कुल करेक्ट, पैराडाइज यहाँ पे एक वहाँ पे आना है और सिर्फ घर घर मतलब ऐसे ना 2-3 घर भाई कन्फर्म नहीं है, मैं हर घर में तो घुस नहीं सकता ना, इसलिए घर कन्फर्म करना पड़ेगा और फिर जाएंगे। बिल्कुल मैं लोकेशन पे हूँ, मतलब लगभग 99% लोकेशन पे हूँ, सिर्फ मेरे को घर कन्फर्म करना है। अब घर तो यार कैसे कन्फर्म करे, किसी से पूछना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से सिर्फ मैं 2 मिनट में उनके घर जा सकता हूँ अगर घर कन्फर्म हो जाए ना, तो चलो देखते हैं पूछते हैं किसी से। तो भाई लगभग मैं मतलब पहुंच गया हूं, अब एक आंटी जी आ रही है, इनसे पूछेंगे उनका घर, क्योंकि घर ना लगभग मैं खड़ा हूं ना उसके आसपास ही घर में कन्फर्म हूं, और नहीं मिले ना तो भाई फिर तो अपन को ही काबिल बनना पड़ेगा। किसी को भी मिल नहीं रहा यार, ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते किसी को, फोर्स तो क्या मिल ही नहीं रहे, तो अपन भी उतने काबिल बनेंगे कि किसी। मैंने पूछा है उनको भी कन्फर्म पता नहीं है। तो भाई इतना करने के बाद भी और इतनी बार आने के बाद भी वो मेरे को नहीं मिले हैं, तो एक बात कहूँगा मैं, बड़ाई की बात नहीं है ना, मैं कुछ ऐसा ईगो में बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ कि मैं इतनी कड़ी मेहनत करूँगा ना भाई, अब खुद अपने कंटेंट और अपनी वीडियो पे इतनी मेहनत करूँगा कि मुझे किसी के घर जाकर या किसी से मिलकर वीडियो पे व्यूज़ लाने की वो इच्छा खत्म हो जाएगी, क्योंकि भाई अब मैं खुद पर फोकस करने वाला हूँ। भाई बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि मैं 5 बार आया और 4-5 बार भी वो मेरे को नहीं मिले, तो मैं चाहता हूँ कि मैं खुद से बोल रहा हूँ कि आज से मेहनत इतनी करूँगा मैं कि मुझे किसी के मिलने जाने की और वापस घूम फिर के निराश होकर घर आने की ये नौबत नहीं आए। तो बस बात ही वो नहीं है कि ईगो की, मैं भाई ओहो बड़ा आदमी नहीं, वो नहीं, बस मेहनत करनी है भाई अब, और वो चीज़ बतानी है कि किसी के घर जाए। तो मेरे को बहुत बुरा लगा यार, मैं 5 बार आ गया तो भी वो मेरे को नहीं मिला, तो मेन पॉइंट यही है कि अब जम के मेहनत करूँगा और उस मुकाम पे जाऊँगा मैं भी कि मुझे किसी के घर जाकर ऐसे नहीं बोलने पड़े कि आप मेरी वीडियो को प्रमोट कर दो या ऐसे। तो और भाई बात वो भी नहीं है कि मैं उनके घर जाता, वीडियो बनाता और शायद मेरी वीडियो वायरल हो जाती, बात वो भी नहीं है भाई, जिसके मैं वीडियो देखता हूँ मेरे को पसंद है उनसे मिलना था, बस मेरे को इच्छा थी कि मैं मिल लूँ उनसे, वीडियो तो बना लेता, लेकिन वो नहीं था कि वीडियो वायरल हो जाएगी, ये कन्फर्म नहीं है भाई, ये तो मेहनत पे मेहनत करेंगे ना तब होगा। तो आज से यही है, घर नहीं काम पे ध्यान देंगे और इतनी मेहनत करेंगे कि शायद अपने से भी कोई मिलने आए, क्योंकि भाई वो जिनसे मैंने बात की थी ना उन्होंने मेरे को मैसेज में
हर मैसेज का रिप्लाई दिया है और इतनी इज्जत दी है भाई, वो बात अलग है, वो मिले नहीं लेकिन आदमी बहुत अच्छे हैं। तो देखते हैं अब तो कभी ऐसे ही मिलेंगे, घर तो नहीं आऊँगा मैं बिल्कुल, घर तो किसी के नहीं जाने वाला। तो चलो बाय बाय, सॉरी यार मैं नहीं मिला पाया आपको घर जाकर, लेकिन किसी दिन मिल लेंगे ऐसे ही, कहीं दिखेंगे तो मिल लेंगे, वरना घर तो नहीं आने वाला मैं अब से, किसी के नहीं। मिलते हैं स्ट्रगल वाली लाइफ में अपने आज से, बाय। अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, एम करते हैं 260,000 लाइक्स के लिए, कंप्लीट तो वैसे ही नहीं होने लेकिन बोलने में क्या जा रहा है ना। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है।